आज के व्लॉग की अपनी शुरुआत। आज हम जा रहे हैं नैनीताल। इधर अभी हमने रास्ते में रुक के ना चाय पी थी। मेरे साथ अमर भी जा रहा है नैनीताल। ये देखो दोनों बाइक हैं। अभी 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 हम चाय पी के निकल चुके हैं आगे नैनीताल की तरफ। अभी हमने गजरौला में रुक के चाय पी थी। हमारा आगे निकल गया, इसको पकड़ते हैं आगे जाके। गर्मी बहुत है, पता नहीं वहाँ कैसा मौसम होगा नैनीताल में, देखते हैं। अरे बहुत आगे निकल गए, तो रोड पूरी खाली पड़ी है। ये आगे जा रहा है अमर। यार रास्ता बहुत बढ़िया है यहाँ का ना नैनीताल का, पहले से ज़्यादा और बढ़िया हो गया है। बहुत ही साफ सुथरा, बहुत ही बढ़िया रास्ता है। अमर हेलो, एक नंबर रास्ता है भाई। बाइक भी हमारी परफॉर्मेंस बढ़िया दे रही है, मज़ा आ रहा है बाइक में। ये भी हम रामपुर पहुंचने वाले हैं, आई थिंक पहुंच ही गए हैं। इधर से ही हमें लेफ्ट लेना है। आओ आओ इधर से। ये रामपुर में एंटर हो गए हैं। यहाँ से आई थिंक नैनीताल मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर के आसपास होगा, 100-110 के आसपास। भाई दिल्ली सरायकाले खां से लेकर आपको रामपुर तक रोड इतनी बढ़िया बना दी है ना कि ब्रेक तो लगाने नहीं है गाड़ी में। ब्रेक लगेगा भी तो आपको चाय पीने के लिए या बाथरूम वगैरह करने के लिए या फिर टोल के लिए, टोल देने के लिए आपको बस ब्रेक लगाना है। और उसके बाद आपको कहीं ब्रेक ही नहीं लगाना है रामपुर तक, दिल्ली सरायकाले खां से लेकर रामपुर तक सीधा नॉन स्टॉप एक नंबर हाईवे बना दिया है पूरा, बीच में कोई रुकावट नहीं है। ये बाइक में लो फ्यूल का इंडिकेटर आ गया है, पेट्रोल कम बता रही है, और ये जो रेंज जो बता रही है ये 110 किलोमीटर। बताओ क्या करना है, रिस्क लें क्या? चलो आज रिस्क लेके देखते हैं, देखते हैं कितना किलोमीटर चलती है। हमारा आगे चला गया, आ रहा है वापस अभी। अभी रुके हम पानी पीने के लिए। पानी बहुत जरूरी है, राइड में पानी बहुत जरूरी है। बाइक बिना पानी के बिल्कुल नहीं, पानी जरूरी, पानी बहुत जरूरी है। एक तो प्यास बहुत रखती है ना, गर्मी भी है, फिर ठंड है कि नहीं है।
अभी यहाँ जो होटल पर चाय पिया था ना, वहाँ पे फूड शिफ्टर ऑन किया, उसके बाद मैंने डिफरेंस देखा, गियर तो क्विकली चेंज हो रहे हैं बिना क्लच के, मैंने डिफरेंस देख लिया। अगर क्विक शिफ्टर ऑफ है ना तो आपके गियर बहुत हार्ड लगते हैं, मतलब क्लच दबाकर ही गियर बदलोगे तभी बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। और वो ऑन कर दिया ना तो बिना क्लच के बढ़िया से गियर बदल गए, लेकिन छोटे गियर में जो वो मोशन बन रहा था ना 130 पार 140 पार जा रही थी, वो मज़ा नहीं आ रहा। अच्छा, ये मैंने फील किया है, आप देख रहे हैं ऑफ करके तेज आगे क्विक शिफ्टर ऑफ करके ना, ये मेन रोड पे हाईवे पे चलाना, तो ज़्यादा तेज नहीं भागते, ज़्यादा तेज नहीं भागते। तो अभी गन्ने का जूस पीने के लिए रुके हम, ये भैया मिले थे रास्ते में, इनसे हमने अपना चैनल सब्सक्राइब भी करवाया। भैया आए कर दो इधर, वीडियो में आओगे तुम? ये अपना कौन सा चौक है? परिवर्तन चौक, ये नैनीताल यहाँ से 112 किलोमीटर है, लगभग हम 2 घंटे पहुँच जाएंगे आराम से, आराम से बस जूस पियेंगे पहुँच जाएंगे। हो रहा है रिकॉर्डिंग, हो रहा है तो स्क्रीन ऑफ हो जाता है, दो प्रो 10 का फीचर है, आपका लाइट ब्लिंक कर रहे हैं ना वहाँ पे, बस ये मतलब अपने नाम स्टॉप है। शुगर कैन जूस विथ फ्रेश लाइम एंड पुदीना भी डाला है क्या? पुदीना नहीं, जो भी बढ़िया लग रहा है, मीठा है एकदम, नथिंग इज लाइक जूस। फ्यूल डलवा ही लेते हैं भाई, ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं तो फ्यूल डलवा लेते हैं। नैनीताल वैसे कितना किलोमीटर रह गया होगा यहाँ से, मेरे को 60 किलोमीटर रह गया होगा। कितने किलोमीटर चली तुम्हारी? 276 मेरा 276 276 यहाँ पेट्रोल 94.80 लीटर है। ये उत्तराखंड में हम एंटर हो गए हैं, अभी हमने पेट्रोल डलवाया था। यहाँ देखो कितनी हरियाली है, ये हरियाली देख के मज़ा आ जाता है। और वो दूर देखो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं वो देखो, मज़ा आ जाता है ना। थोड़ा सा वेदर अभी स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा हल्का सा ठंडा, आगे देखते हैं और पहाड़ों में। देखो जी पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं यहाँ से, मतलब कि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी है यहाँ, पहाड़ तो आगे स्टार्ट होंगे। अभी थोड़ी सी हल्की सी ठंडी ठंडी हवा भी लग रही है। मतलब ग्रीनरी देख के ना मज़ा सा आ जाता है। बढ़िया वेदर है, बाकी ऊपर जाके देखते हैं अभी कितना ठंडा है, गर्म है, क्या है,
बारिश होती है कि नहीं। गुड़गांव में तो बिल्कुल भी बारिश नहीं थी, होती है तो थोड़ी बहुत होती है। काला डुंगी पहुंच गए। पहले मैं सोच रहा था यहाँ पे पेट्रोल डलवाऊँ, रिस्क था, पता नहीं रास्ते में बंद होती कि नहीं होती, इसलिए मैंने पहले ही पीछे ही पेट्रोल डलवा लिया। अभी हम यहाँ से लेफ्ट जाएंगे, ऊपर पहाड़ियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। हमारा आगे निकल गया फिर से। फोन करके बताता हूँ उसको कि लेफ्ट जाना था यहाँ से। पहुंच गए हम दीपक भैया के गेस्ट हाउस में। दीपक भैया ने ये नया कमरा बनाया है। ये देखो रूम नया, ये चेयर है, ये टेबल है, ये उन्होंने खुद से यहीं पे बनवाया सारा अपने कारीगरों से। ये बेड भी ये तो फिर अपने फैमिली के साथ आना चाहिए। ये हमारे दीपक भैया, हेलो कर दो। हेलो। पूरा 38 मिनट का था रास्ता, पता आपको पहाड़ी। ये आ गया अपना खाना, खाने सिंपल में सिंपल दाल चावल और घर की रोटी, चावल और ये दाल प्याज और ये घर की रोटी है। चलो भाई शुरू करते हैं। चलो नमक भी दिया है ना, भाई भूख लग रही है, जल्दी आओ। चलो खाना खा के मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल सुबह नए व्लॉग में नई एनर्जी के साथ। एक गिलास दूध और अब है एकदम नशा नींद का। गुड नाइट। ओके गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह।